मॉर्निंग क्लास 5। टुडे वी आर स्टडिंग द सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर। और इंग्लिश रीडर में आपका लेसन नंबर 4 है। दिस इज़ अ पोएम। द पोएम नेम इज स्पीक जेंटली। स्पीक जेंटली, जेंटली मीन्स काइंडली, आराम से बात करने के बारे में इसमें पोएट ने बताया है कि हमें किसी भी सिचुएशन में, है ना, कैसे बात करनी चाहिए। जेंटली, बहुत ही काइंडली बात करनी चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। Speak gently, it is better far to rule by love than fear. Speak gently, let not harsh words mar the good we might do here. तो इसमें कहता है कि speak gently, poet कहता है कि हमें आराम से बात करनी चाहिए, वो बहुत ही अच्छा है। किससे? कि हम किसी को रूल करें, किसके साथ? प्यार के साथ। मगर कि अगर हम किसी इंसान पे रूल करना चाहते हैं, मतलब किसी को अपना बनाना चाहते हैं, तो हमें किससे बात करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए? उसे प्यार से, ना कि उसे डरा धमका के। हम अगर उससे प्यार से बात करेंगे तो हम उसे आराम से अपना बना सकते हैं। स्पीक जेंटली, लेट नॉट हार्श वर्ड्स मार द गुड वी माइट डू हेयर। अगर हम फिर से, वो कहते हैं कि स्पीक जेंटली, काइंडली बात करो। लेट नॉट हार्श वर्ड, हार्श वर्ड मतलब कि बहुत ही तीखे शब्द हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से क्या हो सकता है? जो हमारे अच्छे लोग हैं, जो हमारे अपने लोग हैं, जो हमारे प्यारे लोग हैं, वो हमसे दूर हो सकते हैं। कब? जब हम उनसे हार्श वर्ड्स में बात करेंगे, मतलब कि कठोर आवाज में या स्ट्रिक्टली उनसे बात करेंगे, तो हमसे दूर जा सकते हैं। दूसरे पैराग्राफ में भी वो कहते हैं, स्पीक जेंटली, लव डोंट विस्पर लो द वोज दैट ट्रू हार्ट्स बाइंड, एंड जेंटली फ्रेंडशिप एक्सेंट्स फ्लो अफेक्शंस वॉइसेस काइंड। उसमें भी कहते हैं वो, इस पैराग्राफ में भी, कि हमें कैसे बात करनी चाहिए, आराम से बोलो, आराम से बात करनी चाहिए, कि जो प्यार है वो धीरे धीरे ही क्या होता है, ग्रो होता है। अगर हम बात करेंगे किसी से प्यार से, तो हम उसे धीरे धीरे अपना बना सकते हैं। और इससे क्या होगा, जो रिश्ता जुड़ेगा किसी के साथ, अगर हम किसी इंसान के साथ प्यार से बात करते हैं, तो उससे जो हमारा रिश्ता जुड़ेगा वो कैसा होगा, वो मजबूत होगा। और हमारी जो क्या है, दोस्ती है, वो भी कैसी होगी, मजबूत होगी। ठीक है, अफेक्शंस वॉइसेस काइंड, और जो हमारे बात करने का तरीका है, जो हमारी आवाज़ है, वो भी कैसी होनी चाहिए, काइंड होनी चाहिए, है ना, प्यारी, आराम से हमें बात करनी चाहिए। अब इसमें बताते हैं, स्पीक जेंटली टू द लिटिल चाइल्ड, इट्स लव वी श्योर टू गेन, टीच इट इन एक्सेंट सॉफ्ट एंड माइल्ड, इट मे नॉट लॉन्ग रिमेन। अब इसमें वो कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, हमें उनसे भी कैसे बात करनी चाहिए, आराम से, प्यार से बात करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो श्योर, मतलब हम पक्का ही उनका प्यार पा लेंगे, है ना, वो प्यार से सारी बात समझ जाएंगे। हमें उन्हें अगर कुछ समझाना है, छोटे बच्चों को जैसे समझाते हैं ना, तो हमें कैसे समझाना चाहिए, सॉफ्ट एंड माइल्ड एक्सेंट में, मतलब हमारे जो बात करने का तरीका है, है ना, जो हमारी टोन है, वो कैसी होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, मतलब हमें बहुत ही उनसे प्यार से बात करनी चाहिए, छोटे बच्चों से। अगर हम उन्हें ऐसे सिखाएंगे, तो जो भी वो सीखेंगे इस तरीके से, वो उन्हें लंबे समय तक याद रहेगा। स्पीक जेंटली टू द यंग, फॉर दे विल हैव इनफ टू बेयर, पास थ्रू दिस लाइफ एज बेस्ट दे मे, इट्स फुल ऑफ एनग्जियस केयर। इसमें वो कहते हैं कि जो यंग होते हैं ना, जो बड़े थोड़े जवान लोग होते हैं, उनसे भी हमें कैसे बात करनी चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए, जिससे कि वो हर चीज़ को सहन कर सकें। पास थ्रू दिस लाइफ एज बेस्ट दे मे, इट्स फुल ऑफ एनग्जियस केयर। तो ये जो पूरी लाइफ है ना, जो पूरी हमारी लाइफ है, वो किससे है, हमें उसमें, हमें हमेशा जो हमारे अपने लोग हैं, वो उनकी परवाह करनी चाहिए और उनसे आराम से बात करनी चाहिए, जिनसे कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में पोइट कहता है कि स्पीक जेंटली टू द एजड वन, जो कि एजड वन मतलब जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हमें उनसे भी आराम से बात करनी चाहिए। ग्रीव नोट द केयर वॉन हार्ट, हमें उन्हें ग्रीव मतलब दुख नहीं देना चाहिए। द केयर वॉन हार्ट मतलब कि, क्योंकि वो ऐसे इंसान होते हैं जिन्होंने अपने टाइम में, मतलब जो यंग थे, जैसे आपके जो बुज़ुर्ग लोग हैं, आपके माता पिता जैसे बूढ़े हो जाएंगे, तो आपको उनसे तब भी आराम से ही बात करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपके, जब आप छोटे थे, वो यंग थे, उन्होंने आपकी बहुत केयर करी है ना, तो हमें उन्हें, जब वो एजड हो जाएंगे ना, तो उन्हें ऐसे हाल में उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए।
दैट सेंट्स ऑफ लाइफ आर नियरली रन लेट सच एंड पीस डिपार्ट, क्योंकि जो उनका मतलब कि जो टाइम है उनकी जो लाइफ का टाइम है वो धीरे धीरे पास आ रहा है, मतलब जाने का टाइम, तो हमें उनको क्या करना चाहिए कि जिससे कि वो शांति से रह सकें, इसलिए उन्हें दुख नहीं देना चाहिए। स्पीक जेंटली, इसमें बताया है कि हमें किससे आराम से बात करनी चाहिए, पुअर लोग जो होते हैं ना, गरीब लोग होते हैं, उनसे भी प्यार से बात करनी चाहिए। लेट नो हार्श टोन बी हर्ड, उन्हें किसी हार्श टोन मतलब किसी मतलब कठोर आवाज़ में या बहुत सख्त आवाज़ में उनसे बात नहीं करनी चाहिए। दे हैव इनफ, दे मस्ट एंड्योर विदाउट एनी अनकाइंड वर्ड, तो उनके पास भी मतलब जो उनका भी दिल होता है वो बहुत नाजुक होता है, उन्हें भी हम उनसे भी हमें कोई भी अनकाइंड वर्ड मतलब कोई भी कैसा कोई भी कठोर शब्द उनसे नहीं बोलना चाहिए। स्पीक जेंटली टू द एरिंग, नो दे मे हैव टॉयल्ड इन वेन पर हैंस अनकाइंडनेस मेड देम सो ओ विन देम बैक अगेन, तो जो एरिंग नो मतलब कि ऐसे लोग जिन्होंने कुछ गलती कर दी है ना, जैसे कुछ होता है ना किसी से मिस्टेक हो जाती है तो हम उनसे चिल्ला के बोल देते हैं, तो इसमें पॉइंट कहता है कि हमें उनसे भी कैसे बात करनी चाहिए, जेंटली, जेंटली मतलब सॉफ्टली, काइंडली, बहुत प्यार से बात करनी चाहिए जिन्होंने कोई गलती कर दी है, शायद कि अगर आप जैसे उनसे प्यार से बात करेंगे तो वो दोबारे से वो गलती ना दोहराएं, ठीक है, और वो दोबारे से अच्छे काम करने लगे, वो गलत काम ना करें। स्पीक जेंटली, ही हु गेव हिज लाइफ टू बेंड वन स्टबर्न विल वन एलिमेंट्स वर इन फेयर स्ट्राइव सेट टू देम पीस बी स्टिल, तो हमें ही हु गिव हिज लाइफ, जिन्होंने हमें ये लाइफ दी है, हमें उनसे भी कैसे बात करनी चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए, और वेन एलिमेंट्स वर इन फेयर्स स्ट्राइव सेट टू देम पीस बी स्टिल, और अगर मान लो हमें किसी से क्या हो गया है, किसी से हमारी कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, कोई बहस हो गई है कोई हमारी, तो उससे भी हमें कैसे बात करनी चाहिए, शांति से हमें बात करनी चाहिए, ठीक है। स्पीक जेंटली, इट इज अ लिटिल थिंग ड्रॉप्ड इन द हार्ट्स डीप वेल, तो इसमें इस पूरी पोएम में उन्होंने क्या बताया है, आराम से बात करना सब लोगों से, चाहे वो कोई बच्चा हो, एजेड हो, यंग हो, पुअर हो, या ऐसे इंसान जिनसे कोई क्या हो गई है, गलती हो गई है ना, मिस्टेक्स हो गई है, तो लास्ट स्टेंजा में बताते हैं कि जो स्पीक जेंटली मतलब जो आराम से बात करना है वो कैसा काम है, बहुत ही छोटा काम है, मतलब ये इतना बड़ा टास्क नहीं है, इतना मुश्किल काम नहीं है कि किसी से प्यार से बात करना। ड्रॉप्ड इन द हार्ट डीप वेल, और अगर आप किसी से प्यार से बात करते हैं तो उसके दिल में वो बात अच्छी तरह से क्या रहती है, रह जाती है, मतलब कोई भी आप अगर किसी से बात करने का तरीका ही हमारे किसी भी इंसान के बात करने का तरीका ही हमारे दिल में बैठ जाता है ना, कि उसी से उसकी क्या बनती है, एक इमेज बनती है, तो अगर हम प्यार से बात करेंगे तो हम किसी के दिल को जीत सकते हैं। द गुड द जॉय विच इट मे ब्रिंग एटर्निटी शैल टेल, और जो खुशी मिलती है जो हम पहुँचाते हैं अच्छे से बात करने पर, वो भी क्या होता है, उससे भी हमारी आत्मा को मतलब हमें खुशी मिलती है, ठीक है। तो ये आपकी पोयम थी, पोयम ने स्पीक जेंटली, आप इसके एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करेंगे, और ये पोयम बुक में से, आपके पास बुक्स हैं, जिनके पास बुक्स नहीं हैं वो बुक्स खरीद लें स्कूल से, और ये पोयम आप दोबारा से रीड करेंगे। ओके, गुड बाय।